नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीराबाई चानू के बारे में। आप सभी ने इनका नाम सुबह से सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर से लेकर टीवी से लेकर हर जगह तक सुन ही लिया होगा और इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीराबाई चानू कहाँ से आती हैं और कैसे उन्होंने ये खिताब हासिल किया है और कैसे उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। क्या दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई चानू का बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से वो आती हैं, किस किन परिस्थितियों से जूझ के उन्होंने ये मेडल जीता है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को बता दें जिन्हें नहीं मालूम है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। उन्होंने 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू से पहले सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में सिर्फ एक लेडी ने जीता है भारत से, एंड शी वॉज कर्णम मल्लेश्वरी। इनका नाम आप लोगों ने जीएस में जरूर पढ़ा होगा और जीएस में सुना होगा। कर्णम मल्लेश्वरी इज द ओनली लेडी ऑफ इंडिया जिन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक्स 2000 में जीता था और 2000 के बाद आज 21 साल बाद 2021 में डायरेक्ट सिल्वर मेडल हमने दोबारा से जीता है एंड वो आपका मीराबाई चानू जी ने जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी के अलावा जब आज मीराबाई चानू की हम बात कर रहे हैं तो मीराबाई चानू आपको पता है मणिपुर इम्फाल से आती हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इनकी हाइट दोस्तों बहुत ही कम है, इनकी हाइट सिर्फ 4 फीट 11 इंच है एंड हर वेट इज 49 केजी, क्योंकि 49 केजी कैटेगरी में वो पार्ट लेती हैं। विजय शर्मा एंड एरॉन हॉर्शिंग इनके कोच हैं। आपको पता है दोस्तों कि जब एक बारी की बात है, जब मीराबाई चानू अपने इम्फाल में रहती थी तो करीब 14 साल पहले जब वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ने वाले गांव की पहाड़ियों पर दो बच्चे जब पसीने से तरबतर खड़े थे, जलावन की लकड़ियां घर से निकले 16 साल के साना तोम्बा मीटी और 12 साल की बहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी जो लकड़ियां थी वो काफी ज्यादा हो गई थी और उनसे वो लकड़ियां उठ नहीं रही थी। आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था, सना तोम्बा से लकड़ियों के गट्ठर नहीं उठ रहा था। तब उनकी बहन ने उनसे कहा कि मैं उठाऊं क्या, तो पहले तो सना तोम्बा को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दें, लेकिन उनसे गट्ठर नहीं उठ रहा था और वो पूरे 4 साल उनसे छोटी बहन से कैसे उठा लेगी। लेकिन कोई और चारा जब उन्हें नहीं दिखा तो साना तोम्बा ने हाँ कर दिया और उसने उस 12 साल की लकड़ी को ओलंपिक तक पहुंचा दिया। दोस्तों यही कहानी है मीराबाई चानू की। ये अपनी बहन के साथ वहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही थी और वहाँ पे जब ये उनसे लकड़ियाँ नहीं उठी तो उन्होंने अपनी बहन से उनकी बहन ने कहा कि क्या मैं उठा लूँ, एंड आज वही लड़की जो जंगल में लकड़ियाँ उठाने गई थी, आज उसने टोक्यो ओलंपिक्स में 202 किलो वजन उठा के इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू आपकी सुदूर मणिपुर से रहने वाली हैं और बचपन से ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा वजन उठाने की मास्टर रही हैं। ऐसा नहीं था कि ये बचपन से ही वेट लिफ्टर बनना चाहती थीं, बचपन में इन्हें आर्चरी यानी कि तीरंदाजी का शौक था और तीरंदाजी करना चाहती थीं। लेकिन कक्षा 8 तक आते आते उनका लक्ष्य बदल गया। कक्षा 8 में उन्होंने अपनी बुक में एक चैप्टर पढ़ा कुंजरानी देवी के बारे में। कुंजरानी देवी कौन है? कुंजरानी देवी भारत की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड महिला का मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग में। इन्होंने आज तक 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीते हुए हैं, सिल्वर मेडल्स जीते हैं, 2 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन वेट लिफ्टर्स इन इंडिया। इसके अलावा जो इनको हम मणिपुर की हरकुलस के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड पदक भी जीते थे। तो मीराबाई चानू जो पहले आर्चरी में अपना करियर बनाना चाहती थी, तीरंदाजी में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन जब कक्षा 8 में उन्होंने कुंजरानी देवी के बारे में पढ़ा उसके बाद से वो वेट लिफ्टिंग के लिए इंस्पायर हो गई और उसके बाद से वो वेट लिफ्टिंग में ही अपना करियर बनाने के लिए कोशिश करने लगी। इनको अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने घर से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इनके जो फादर हैं वो पीडब्ल्यूडी में एक बहुत ही छोटी नौकरी करते हैं और माँ जो हैं वो दुकान चला के अपना खर्चा चलाती हैं। लेकिन ये सारी मुश्किलों के बावजूद मीराबाई चानू को इतिहास बनाने से कोई नहीं रोक पाया एंड शी मेड द वर्ल्ड हिस्ट्री नाउ। इसके अलावा 2014 में जब इन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद से ही ये नोटिस में आई और सभी की नज़रों में आई। कुंजरानी देवी से ये इंस्पायर हुई। इसके अलावा इन्होंने जो टोटल पदक जीते हैं वो ओलंपिक गेम्स 2016 के जो थे उसमें काफ़ी निराशा लगी थी हमें, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी ख़राब रहा था, क्योंकि 2 कैटेगरीज होती हैं आपकी, एक स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क। स्नैच कैटेगरी में आपको वेट जो है कंधे पर नहीं लाना होता है, डायरेक्ट ऊपर उठाना होता है, और क्लीन एंड जर्क में आप
कंधे पर लाते हो और उसके बाद वेट उठाते हो। तो ओलंपिक गेम्स में क्या हुआ था कि जब ये पार्ट लेने गई तो क्लीन एंड जर्क में तीनों ही अटेम्प्ट्स में फेल हो गई थी एंड इट वाज अ वेरी बैड थिंग फॉर हर, यानी कि वहां से वो काफी ज्यादा निराश हुई थी आपके 2016 के ओलंपिक्स में, और वो उनके लिए काफी खराब रहा था। उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था उन्हें और उसके बाद वो डिप्रेशन तक में चली गई थी, लेकिन उसको उससे वो निराश नहीं हुई और उन्होंने आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा इनकी चाइना की जो जियू ह्यूई होन थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 49 केजी वर्ल्ड कैटेगरी में, उन्होंने टोटल 210 केजी वेट उठाया है। और इसके अलावा विंडी इंडोनेशिया की जो विंडी कैंटिका थी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने 202 केजी वजन उठाया है और उसके बाद वो सिल्वर मेडलिस्ट बन गई हैं। सो दोस्तों ये आपकी इनकी कहानी थी, आपकी मणिपुर से आती हैं, काफ़ी मुश्किलों परेशानियों के बावजूद वो इस मेडल तक पहुँची हैं। और 2016 का जो रियो ओलंपिक्स था वो उनके लिए काफ़ी ख़राब रहा था क्योंकि वो अपने वजन को उठा ही नहीं पाई थी, क्योंकि अगर आप डिड नॉट फिनिश जो लिखकर आता है वो काफ़ी ख़राब होता है किसी भी एक एथलीट के लिए, वो उन्हें काफ़ी निराश करने वाला होता है। लेकिन सारी निराशाओं को पार करके आज उन्होंने इतिहास रच दिया और भारत का नाम भी रोशन किया है। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।